Good morning students, welcome to class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter, that is chapter number 8 is quadrilateral construction and their types. Okay, so students, last video mein humne jo practice set 8.2 dekha hua hai, practice set 8.2 mein humne problem number 1 2 3 4 5 6 dekhe hue hain. 7 number problem hume nahi karna hai. ये सिक्स नंबर का जो प्रॉब्लम था मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये हमने यहाँ पे कर लिया है, और ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह से किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसमें एक स्क्वायर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है जिसके दो डायगोनल्स, आपको इनकी दो डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करनी थी. तो डायगोनल्स जो हैं ए सी और बी डी, ये इनकी लेंथ क्या है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी. यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी साइड दी गई है बेटा 8 8 सेंटीमीटर. ये चारों साइड की साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, जो कि कल मैंने ये मेथड बताई थी आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके. हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी और ए बी और बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ए सी की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिली हुई है, वो है अंडर रूट 128 सेंटीमीटर. और सिमिलरली ए सी इक्वल बी सी बी डी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 128 स्क्वायर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर. इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो पोर्शन आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ट्रेपेजियम. सबसे पहले तो आता है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ठीक है. और उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट 8.3 स्टार्ट करना है. तो ये पोर्शन मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही समझा के बता देता हूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल बेटा कि जिसके अपोजिट साइड्स मान लीजिए कि एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसको हमें पैरेललोग्राम कहते हैं बेटा. तो देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी, एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया हुआ है. दोनों जो साइड्स आप लोग यहाँ पे अपोजिट साइड देख रहे हैं वो एक दूसरे को क्या है बेटा, पैरेलल. इसलिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन को, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, जिसमें हमेशा इसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इनके डायगोनल्स भी हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे बेटा. अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई कि इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. मतलब मान लीजिए कि किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक ही साइड दूसरे उसके अपोजिट साइड से अगर पैरेलल है तो ही हम उसे ट्रेपेजियम कह सकते हैं. ये जो दो हैं ये पैरेलल नहीं है ना एक दूसरे को, पर डब्ल्यू जेड और एक्स वाई ये दोनों को एक दूसरे को पैरेलल है. तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम लोग को क्वाड्रिलेटरल जैसे कंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम कह सकते हैं बेटा, ठीक है. और लास्ट में हम लोग चल रहे हैं काइट की तरफ. काइट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने बताया था रोम्बस, जो हमें इसके पूर्व दिखा हुआ है. तो रोम्बस से थोड़ा सा हट के काइट होता है. रोम्बस में क्या होता है कि चारों जो इसके साइड्स होती है रोम्बस की वो इक्वल होती है. इसमें इक्वल साइड्स नहीं होती चारों, ठीक है. कोई दो इक्वल साइड्स होती है और रिमेनिंग दो इक्वल साइड्स होती है बेटा, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब कोई एक डायगोनल उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अदर डायगोनल यदि हो किस कभी होता है तो ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम लोग यहाँ पे काइट कहते हैं बेटा, ठीक है. मतलब ये बी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए सी, ठीक है. इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, ठीक है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स. मतलब इस प्रॉब्लम के आधार पर प्रैक्टिस सेट 8.3 का पहला एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है. इसी तरह से आप इसे उस प्रॉब्लम को इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है. इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो प्रॉब्लम्स आप लोग देखिए और इसे करने की कोशिश कीजिए. आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसको कर भी पाएंगे, ठीक है. तो जैसे कि प्रैक्टिस सेट 8.3 जो हम लोग देख रहे हैं वो डिपेंड करेगा पैरेललोग्राम के ऊपर, ट्रेपेजियम के ऊपर और काइट के ऊपर, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 8.3. तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 8.3 का फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वो है द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ब्रैकेट 3x-2° एंड इन ब्रैकेट 50-x°. फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल.
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रॉपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रॉपेजियम की डायग्राम बनाकर बताई है। इसमें चारों साइड्स अलग अलग होंगी, दो कोई भी दो साइड्स एक जैसी होगी और रिमेनिंग दो साइड्स एक जैसी होंगी बेटा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो अपोजिट एंगल्स जो हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस पैरेललोग्राम का कोई नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बेटा, पी क्यू आर और एस, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कि एंगल जो पी है, मान लीजिए कि पी जो है वो है हमारा 3x-2 डिग्री, और उसका अपोजिट एंगल जो है वो कितना है बेटा, यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू 50-x डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स का यूज़ करके एक्स डिग्री हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स डिग्री अगर कैलकुलेट की हमने तो यहाँ पे एंगल पी और एंगल आर ये दोनों मिल जाएंगे हमको। फिर रहा क्वेश्चन एंगल क्यू का, वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एंगल वाई, और एस भी है वो भी एंगल वाई डिग्री हो जाएगा। एंगल एस जो है वो वाई डिग्री, एंगल क्यू जो है वो वाई डिग्री। तो इन चारों की सम लेकर हम लोग मतलब वाई डिग्री एंगल भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बेटा। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x-2 इज इक्वल टू 50-x लिख लेते हैं। मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, पी इक्वल टू आर है तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है, तो 3x-2 इज इक्वल टू 50-x, एंड देयरफॉर जो सिमिलर लेटर्स हैं वो एक दूसरे के पास लिखे जाते हैं। 3x यहाँ पे माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, ये -2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 3x+4x यानी 3x+x इज इक्वल टू 4x, और 50+2 यानी कि आपको यहाँ पे मिलता है 52। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 52/4 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 13। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल पी जो था हमारा, एंगल पी जो इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3x-2 डिग्री, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग यदि पुट करते हैं 3 × 13-2 डिग्री, तो यहाँ पे 13, 13×39-2 डिग्री इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 37 डिग्री, जो कि यहाँ पे एंगल पी आपको यहाँ पे 37 डिग्री मिला हुआ है। सिमिलरली एंगल क्यू भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अपने एंगल क्यू जो है वो, सॉरी एंगल आर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या था, 50-x डिग्री, तो 50 में से 13 गए, तो यहाँ पे भी आपका ये जो एंगल है वो भी आपको यहाँ पे 37 डिग्री मिलता है। तो देयर फोर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर फोर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 37 डिग्री। बट यहाँ पे हमें एंगल वाई भी मतलब वाई डिग्री भी कैलकुलेट करनी है बेटा। तो वाई डिग्री वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं हमारे डायग्राम के, एंगल क्यू और एंगल एफ, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है द ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों साइड्स की सम क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, लेट द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको पता है एंगल पी क्या है बेटा, 37 डिग्री है। एंगल क्यू हमने
वाई डिग्री लिया हुआ है, एंगल आर जो है वो भी 37 डिग्री है, एंगल एस हमने वाई डिग्री लिया हुआ है, इज इक्वल टू 360 डिग्री है। देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 37 प्लस 37 होता बेटा 74 डिग्री, प्लस वाई होता बेटा 2 वाई डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड देयरफॉर 2y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 74 डिग्री। तो देयरफॉर 2y डिग्री इज इक्वल टू 360 में से अगर 74 को माइनस करें तो आपका आंसर यहां पे आता बेटा 286, एंड देयरफॉर y डिग्री इज इक्वल टू 286 अपॉन 2, यानी कि आपको यहां पे आंसर मिलता बेटा 143, एंड देयरफॉर y डिग्री इज इक्वल टू आपको यहां पे मिला है 143, एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एंगल 143 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस आंसर को हम लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट 8.3 का, जिसमें एक सिंपल सा पैरेलोग्राम के एक डायग्राम आपको फिगर यहाँ पे दिखाई गई है और इनके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके डायरेक्टली आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको होमवर्क रहे, ये होमवर्क आप लोग अगले वीडियो के पहले मुझे कंप्लीट करके पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए, और इसके बाकी के अन्य आधारण जो है वो हम लोग ज़रूर करके देखेंगे। इसमें एक पैरोग्राम भी हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन हम लोग को अच्छा लगता है, बाकी के कंस्ट्रक्शन भी हम लोग जरूर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।